नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। दे से एनीथिंग विच हैपन्स इन योर लाइफ इट शुड नॉट बी ऑफ टू मच क्वांटिटी दैट यू कॉन्ट हैंडल। सो एवरीथिंग विच शुड हैपन इन योर लाइफ शुड हैव द राइट क्वांटिटी, अदरवाइज यू कॉन्ट हैंडल इट। लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हैंडल नहीं हो पाती है। अगर हम इस धरती की बात करें, जो हम इस धरती पे हैं, वी आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन अ वेरी राइट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो जाए तो वी विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट। सेम इज़ विद लाइफ एंड अदर इवेंट्स ऑल्सो, कि अगर कुछ चीज़ें जो हैं उसकी क्वांटिटी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो आपका एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो कार्ड कुछ ऐसे ही है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है, जो विच हैज़ हैपेंड टू मच। वी आर टॉकिंग अबाउट दी टेन ऑफ वॉन्ट्स। टेन ऑफ वॉन्ट्स में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स देखेंगे। इसके कीवर्ड्स हैं स्ट्रेस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क, अचीवमेंट, कन्फ्यूजन एंड ग्रीड। तो हम इस कार्ड में देखते हैं कि अ फिगर इज़ कैरिंग दोज वॉन्ट्स एंड अनेबल टू सी पास्ट इज बंडल। बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन शो की गई है जहाँ पे देर इज़ लाइक टू मच इज़ गिवन टू यू एंड यू कॉन्ट हैंडल इट। वॉन्ट्स स्टैंड करता है एनर्जी के लिए और इंट्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक चीज़ आपको मिल गई है जो कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे, और जैसा कि कार्ड आप देख सकते हैं कि लाइक ही इज़ ब्लाइंडेड, ही कांट सी इट। हालांकि आप कार्ड में ये भी देखते हैं कि जो उसकी मंजिल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। मंजिल जो है वो पीछे जो घर उसका दिख रहा है कार्ड के अंदर, घर उसका वो है, लेकिन क्योंकि आँख ढकी होने के कारण उसको वो दिख नहीं पा रहा है। आप कुछ ऐसा समझिए कि अगर आपकी आँख में एक छोटा सा कंकड़ भी पड़ जाए तो इतना बड़ा हिमालय आपके सामने हो वो भी नहीं दिखता। तो आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ये जो वॉन्ट्स हैं उसकी आँखों के आगे पूरी तरह से कवर्ड है, ही कांट सी इट। सो टू मैनी वॉन्ट्स मीन्स लाइक टू मैनी आइडियाज़, टू मैनी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन समवनस लाइफ, एंड बिकॉज इफ टू मच इज़ हैपनिंग योर एनर्जी विल बी स्कैटर्ड एंड नथिंग विल बी एबल टू यू नो मटेरियलाइज। That is what is happening in the Ten of Wands. Ten of Wands हमें जो है कहीं ना कहीं ये inspire करता है देखने के लिए कि if there is too much which is happening in your life, you need to shed the extra responsibility which is there. Handle whatever you can. Try not to get into something which is too much. The tens in tarot represent the completion of a cycle. जितने भी हम टेंस देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि एक साइकिल जो है कंप्लीट हो रही है, एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो रहा है, एक प्रोसेस जो है आपकी लाइफ का वो कंप्लीट हो रहा है। दिस मैन हैज़ डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड नाउ इज़ अ टाइम फॉर द रिजल्ट्स, बट बिकॉज ही हैज़ डन टू मच ही इज़ नॉट रियली एबल टू टेक आउट द रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। इस आदमी ने इतना कुछ कर लिया है कि इसकी जो प्लेट है उसमें इतना कुछ हो गया है कि यू नो ही इज़ नॉट एबल टू लाइक यू नो बियर एनीथिंग एनी मोर, दैट इज़ वाई द रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग। आप ये समझिए ये कार्ड जो है रिजल्ट्स का ही है। आप ये समझिए कि यहाँ पे सब कुछ हो गया है, ये कहीं ना कहीं इसको वो मिल गया है, इसको वो अचीवमेंट मिल गई है जो उसको चाहिए, बट बिकॉज ऑफ टू मच ही इज़ नॉट एबल टू सी। कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो अगर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाएँ तो इट डजेंट रियली वर्क। हाउ इट वर्क्स इज यू नो लाइक वन एट अ टाइम यू कैन एक्चुअली यू नो लिव योर लाइफ वन एट अ टाइम। मल्टी टास्किंग इज गुड, बट मोस्ट ऑफ द मल्टी टास्किंग इट डजेंट लीड यू एनी वेयर। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज यू गो स्टेप बाई स्टेप एंड वन एट अ टाइम, दैट इज वॉट इज नीडेड एंड दैट इज ऑल्सो द फिलोसफी ऑफ टेन ऑफ वॉन्ट्स इज, दैट इज वॉट इट इंस्पायर्स यू टू डू। तो हम कार्ड में ये देखते हैं कि लाइक दिस मैन इज टू मच बर्डन्ड विद टू मच वेट। हम यहाँ देखते हैं कि उसको इतना ज़्यादा जो वेट है वो जो कैरी कर रहा है और वो जिसकी वजह से वो उसकी वो कहीं नहीं पहुँच पा रहा, और डेफिनेटली हम ये भी देख सकते हैं कि लाइक ही इज़ नॉट रियली इन्जॉइंग द प्रोसेस, वो इस प्रोसेस को इन्जॉय नहीं कर पा रहा।
एक छोटी सी कहानी है जो इससे इससे इंस्पायर होती है। कहानी ये है कि एक एक पहाड़ी लड़की जो है अपना बाज़ार से सामान लेने गई थी और साथ में अपने छोटे भाई को पीछे पीठ पे बांध के ले गई। सामान ले लिया, उसके बाद जब वो वापस जाने लगी तो उसका घर जो था वो चढ़ाई पे था, तो किसी तरह से उसने जो है अपने हाथों में जो है सामान रखा हुआ और पीठ पे अपने जो है भाई को बांध रखा और किसी तरह से वो अपने घर की तरफ जा रही है। रास्ते में एक और आदमी जो है वो भी उसी रास्ते में जा रहा था, उस और वो जो था वो उसका उसका काम था पिट्ठू का, वो भी वेट लेके जो है ऊपर जा रहा था। तो उसने उसको जो है उस लड़की के ऊपर तरस आ गया, बेटी इतना वज़न जो है तूने अपने पीठ पे रखा हुआ है, क्या तुझे मेरी मदद की ज़रूरत है? लड़की ने गुस्से से जो है उसकी तरफ देखा और बोली कि वज़न होगा आपकी पीठ पे, मेरी पीठ पे मेरा छोटा भाई है, वो वज़न नहीं है, वो मेरा प्रेम है। मॉरल क्या है कहानी का? मॉरल एक छोटी सी बात है कि जब आपके लिए जब आपकी पीठ पे कुछ ऐसा पड़ा हो जो आप इंजॉय कर रहे हैं, देन इट्स नॉट अ बर्डन एनी मोर, देन यू आर इंजॉइंग इट। तो चाहे वो लड़की जो है किसी तरह से हिम्मत करके जो है ऊपर चढ़ रही है, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत है कि उसको कभी भी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसको लगेगा कि द एनर्जी इज़ मिसिंग। सो दैट इज़ द वे इट शुड बी इन आवर लाइफ ऑल्सो। आपने जितना मर्जी बर्डन डालना अपने ऊपर आप डालिए, लेकिन वो बर्डन को आप इंजॉय कर सकें बस एक ही शर्त है। अगर आप उस बर्डन को इंजॉय नहीं कर रहे तो दैट इज़ डेफिनेटली अ बर्डन। सो आई शुड नॉट रियली कॉल इट अ बर्डन एट ऑल, आई शुड कॉल इट लाइक वॉट एवर वेट यू हैव ऑन योर शोल्डर्स, दैट शुड नॉट बी अ वेट एट ऑल, दैट शुड बी समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ यू, दैट इज़ समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ओनली देन यू आर एबल टू रियली इंजॉय द लाइफ। टेन ऑफ वॉन्ट्स का जो कार्ड है वो हमें इंस्पायर करता है कि कुछ भी अनएसेंशियल जो आपकी लाइफ में है उसको जो है आप शेड कर दीजिए, शेड द अनएसेंशियल आउट ऑफ योर लाइफ। एंड दिस कार्ड टेल्स यू टू स्टॉप एंड एग्जामिन योर करंट लाइफ स्टाइल। यू हैव मोर ऑन योर प्लेट देन यू कैन पॉसिबली हैंडल। आप बहुत कुछ जो है इकट्ठे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड में एक ही मैसेज आता है कि स्टॉप देयर एंड शेड वॉट एवर इज़ अननेसेसरी, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ जा रही है, जो आपकी जो ऊर्जा है वो पूरी जो है फैल रही है, स्कैटर हो रही है, और स्कैटर्ड ऊर्जा होने की वजह से आपका फोकस जो है वो चला गया है, और फोकस जाने की वजह से आपकी जो मंजिल है, जो आपकी मंजिल का जो फोकस था वो जा चुका है। सो यू नॉट अवेयर ऑफ वेयर एवर यू आर हेडिंग नाउ एनी मोर। सो दिस इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, मंजिल का फोकस जो है हर वक्त रहना चाहिए। अगर आप काम में पूरी तरह से उलझ गए तो क्यों काम कर रहे थे उसका जो है पर्पस ही चला गया। किस लिए काम कर रहे थे उसके पीछे एक पर्पस था। अगर वो आप पर्पस ही भूल गए हो तो फिर उस काम का जो है कोई अर्थ नहीं रह गया। अगर हम वर्क और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टेन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि देर इज़ लाइक टू मच ऑन योर प्लेट, देर इज़ टू मच ऑफ वर्क विच हैज़ बीन गिवन टू यू, और टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ देयर, और मे बी यू आर मेकिंग टू मच ऑफ प्रोग्रेस, लेकिन यू आर नॉट एबल टू इन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। तो कार्ड आपको इंस्पायर करता है कि जो आप हैंडल कर सकें इस वक्त उसी को लीजिए, और कुछ भी जो एक्स्ट्रा है उसको जो है धीरे धीरे जो है अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर दीजिए। और अगर हम बात करें पर्सनालिटी की, ये टेन ऑफ वॉन्ड्स किस तरह की पर्सनालिटी होगा, टेन ऑफ वॉन्ड्स की जो फिगर है उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो मल्टी टास्क करने के लिए केपेबल होगा। आप देखेंगे कि दैट ही इज़ ऑल्सो ही इज़ ऑलवेज स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम, एंड ही इज़ लाइक वर्कड आउट, लाइक ही विल ऑलवेज बी टायर्ड, ही विल ऑलवेज बी यू नो लाइक डूइंग समथिंग और दी अदर, एंड ये कभी भी किसी काम को मना नहीं करते। इनको आप जितना भी बोल दें ये करने के लिए हमेशा से जो है ये बोलते हैं कि दे आर रेडी टू डू इट, कर तो लेते हैं और अपना करना शुरू भी कर देते हैं। इट लीड्स देम इन टू प्रेशर, और इनकी लाइफ में और ज़्यादा बर्डन जो है होना शुरू हो जाता है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में हम ये कह सकते हैं कि लाइक दिस पर्सन इज समवन हु इज़ नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम टू हिज रिलेशनशिप, या फिर
एक और इसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि लाइक ये आदमी जो है एक रिलेशनशिप को ड्रैग कर रहा है जहाँ पे जिसका कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है. ही इज डूइंग लाइक टू मच फॉर द रिलेशनशिप एंड बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट एबल टू गिव हिम वॉट ही एक्चुअली वॉन्ट्स एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ ड्रैग. दैट इज वॉट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. और अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये आदमी जो है ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ साधना. ही हैज़ डन लॉट ऑफ स्पिरिचुअल प्रोसेसेस और इसके पास बहुत नॉलेज जो है वो इकट्ठी हो गई है. वो और वो नॉलेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो एक इनडाइजेशन जो है क्रिएट हो गया. वो नॉलेज भी इसलिए इकट्ठी होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीड अंदर होगी इकट्ठी. इट विल नॉट रियली मेक एनी डिफरेंस अगर आप जो है संसार में पैसा इकट्ठा करते हैं या फिर जो है अपने स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो है नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज इफ़ यू आर नॉट रियली एबल टू लिव दैट वेल्थ, इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिव दैट स्पिरिचुअलिटी, देन इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज एट ऑल. स्पिरिचुअलिटी में वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज वॉट एवर यू हैव लर्न यू हैव टू ब्रिंग इट टू प्रैक्टिस एवरी डे ऑफ योर लाइफ. इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग योर प्रैक्टिस इन टू लाइफ देन ऑल द साधना वॉट एवर यू हैव डन इट विल नॉट बी एबल टू यील्ड यू द रिजल्ट विच यू आर रियली आस्किंग फॉर. सो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इट इज इम्पॉर्टेंट लाइक दिस पर्सन नीड्स टू जस्ट स्टार्ट विद ए बी सी. स्टार्ट विद वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर द मोमेंट. ट्राई नॉट टू थिंक यू नो लाइक यू हैव लाइक नोन सो मच. मे बी यू हैव कम्प्लीटेड द बुक बट यू हैव नॉट नोन लाइक वॉट द स्टोरी इज ऑल अबाउट. सो वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज. And it's important, even if you don't complete the book, but at least you will know that what the book is all about. So this was my reading for you for Ten of Wands. और जाते जाते जो है मैं इसके लिए जो है एक quote बोलना चाहूँगा. Quote है Lena Horne का जो कि एक singer है. वो कहते हैं it is not the load that breaks you down, it is the way you carry it. ये वही मैसेज है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी में आपको बताया कि वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज द लोड इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट एट ऑल. द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज आर यू रियली इन्जॉइंग दैट लोड और नॉट. वेदर वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर वो लोड है आपके लिए दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू इन्जॉय इट. बट इफ दिस इज समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड इट इज़ पार्ट ऑफ योर जॉय देन नो प्रॉब्लम, देन एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल. सो विद दिस नोट I end my reading for Ten of Wands. I hope you enjoyed this video and I will see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.